हम एमएस वर्ड को नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने ये एमएस वर्ड ओपन किया हुआ है, तो ये देखें आपके सामने एमएस वर्ड शो हो रहा होगा। हम इंसर्ट टैब कर रहे थे, वही करते हैं। तो इसमें हमने टेबल देखा था, हम टेबल कैसे ड्रा करते हैं, तो वही आज मैं आपको बता देता हूँ अगेन उसी के बारे में थोड़ा सा जो रहता था। अब ये देखें यहाँ पर तो आपको बताया गया कितनी रोज है, 8 रोज है, और कॉलम कितने हैं, कॉलम है 10 कॉलम है। मतलब आप इसमें क्या कर सकते हैं, 10 कॉलम और 8 रोज बना सकते हैं। अगर आपको इससे ज्यादा रोज चाहिए, फर्ज करें आपको 100 रोज चाहिए, तो आप क्या कैसे करोगे? उसके लिए यहाँ पर आपको आकर इंसर्ट टेबल पे क्लिक करना पड़ेगा। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर बताएंगे आपको कितने कॉलम्स चाहिए, 5, और रोज कितनी चाहिए, 100। तो आप यहाँ पर 100 लिख लोगे। जैसे 100 लिखोगे और ओके करोगे तो ये खुद ब खुद क्रिएट हो जाएंगी। ये देखें ये कितने कॉलम, 1 2 3 4 5, ये 5 कॉलम, और ये नीचे आपको रोज दिखाई गई। ये देखें ये 100 रोज है बड़ी, ये दूसरा पेज और ये तीसरा पेज, मतलब 3 पेजों तक ये आ चुका है। तो मतलब हम अपनी मर्जी से जितनी भी हमें रोज चाहिए, 500 चाहिए, 1000 चाहिए, जितनी भी हमें चाहिए वो हम बना सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ टेबल पे आके और इंसर्ट टेबल पे करेंगे और जितनी रोज और जितने कॉलम्स चाहिए वो हम बता देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पिक्चर। हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर हमने कोई पिक्चर ऐड करनी है तो हम कैसे ऐड करते हैं, ये देखें पिक्चर पे क्लिक करना है आपने। उसके बाद ये आपके सामने ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप कोई भी पिक्चर जो आपने यहाँ डालनी है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। जिस तरह फर्ज करें ये मेरे पास पिक्चर है, मैं ये डाल देता हूँ यहाँ पर। तो ये देखें ये पिक्चर मैंने क्लिक किया और ये मेरे सामने आ गया। तो अब मैं यहाँ पर ये इसके अंदर मज़ीद, ये जो मैंने पिक अपलोड किया है इसके अंदर मैं मज़ीद इसके अंदर कर सकता हूँ। ये देखें यहाँ करेक्शन पे आके इसको मैं अगर, ये देखें इसकी ये ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रही है, तो ये लाइट हो रहा है, डार्क हो रहा है, जो भी करना चाहूँ कर सकता हूँ। ये क्लिक कर दूंगा लाइट हो गया। कलर भी मैं यहाँ से इसका चेंज कर सकता हूँ, ये देखें कोई भी कलर रख सकता हूँ। ये देखें कलर चेंज हो रहे हैं, मैं जैसे जिस कलर पे लेके जाता हूँ, तो यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से पिक्चर, अगर हमने ये कोई गलत हमने इंसर्ट कर दिया, हम इसको चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ चेंज पिक्चर पे क्लिक करके हम न्यू पिक्चर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर इसी तरह हमने ये जो पिक्चर अपलोड किया है इसके ऊपर हमने जो भी इसके ऊपर हमने कलर चेंज किया है या ब्राइटनेस टेस्ट किया जो भी किया है, हम यहाँ से रीसेट कर देंगे। रीसेट करेंगे वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास काफ़ी सारे स्टाइल्स हैं, 1 2 3, तो ये हम यहाँ से पिक्चर स्टाइल्स को भी देख सकते हैं। और हमने अगर इस पिक्चर को छोटा बड़ा करना हो वो कैसे करेंगे, ये देखें यहाँ पर मैं कर्सर ला रहा हूँ और यहाँ पर आके इसको मैं देखें अब छोटा करूँगा। तो हम इस तरीके से मतलब जो हमारे पास पिक्चर होगी हम उसको छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। अब ये पिक्चर देखें हमारे पास डॉक्यूमेंट के लेफ्ट साइड पे, अगर मैं इसको राइट साइड पे लेके जाना चाहता हूँ तो यहाँ पर पोजीशन का ये देखें एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। मैं इसको ये लेफ्ट साइड पे बाय डिफॉल्ट सेंटर में लाना चाहता हूँ, यहाँ कर दूंगा। और राइट साइड पर लेके जाना चाहता हूँ यहाँ कर दूंगा, राइट साइड पर कर दिया मैं, यहाँ जो मर्जी टेक्स्ट राइट कर लूँ, जो मर्जी मैं यहाँ राइट कर दूँ। इसी तरह अगर इसको मैं डॉक्यूमेंट के नीचे लेके जाना चाहता हूँ तो वहाँ भी मैं इसको लेके जा सकता हूँ। तो ये आपकी मर्जी है, आप इसको जैसे मर्जी कर लें। उसके अलावा यहाँ पर पिक्चर बॉर्डर भी हम लगा सकते हैं, पिक्चर का इफेक्ट भी हम लगा सकते हैं। हमने कोई शेडो लगाना है तो शेडो हम बना लेते हैं पिक्चर का। ये देखें नीचे पिक्चर के नीचे शेडो शो हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर हम रैप टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसको क्रॉप भी कर सकते हैं यहाँ से पिक्चर को। तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर दिए गए हैं, ये बाकी आप खुद देख लेने हैं। फिर हम आगे चलते हैं इंसर्ट पे। अगर ये जो पिक्चर थी ये तो मैंने अपने कंप्यूटर से अपलोड की थी, लेकिन अगर मैं, मेरे कंप्यूटर में कोई भी पिक्चर नहीं है, मैं ऑनलाइन इंटरनेट से अपलोड करना चाहता हूँ, तो मैं ये ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा ये देखें ये मेरे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं सर्च करूँगा जो भी मुझे जो भी पिक्चर अपलोड करनी होगी, तो मेरे सामने काफ़ी सारी पिक्चर्स आ जाएंगी। अगर मैंने कार की अपलोड करनी है, यहाँ कार लिख के सर्च कर दूँगा, मेरे सामने काफ़ी सारी कार्स आ जाएंगी। उनमें से कोई एक सिलेक्ट करके जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर काफ़ी सारी शेप्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखें एरो हो गया, एरो कैसे इंसर्ट करना है आपने, ये देखें ये एरो आ गया हमारे पास। इसी तरह यहाँ पर आप कोई अगर स्क्वायर या कोई सर्कल अपलोड करना चाहते हैं, ये देखें ये सर्कल है, ये आ गया। तो ये आगे इसके भी फिर आगे मज़ीद हम इसके ऊपर एडिटिंग कर सकते हैं। देखें ये ब्लैक चाहिए, वाइट चाहिए,
ब्लू चाहिए, जो भी सर्कल आपको चाहिए आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इसको फिल भी कर सकते हैं, ये देखें, अगर इन तीन के अलावा कोई और कलर चाहिए यहाँ से आप ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट, ये बाकी इसके ऊपर ऑप्शन हैं, ये आपने खुद देख लेने हैं जो आपने करने हो। यहाँ पर ये काफ़ी सारी शेप्स हैं, जो भी आपको चाहिए आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, के बाद आगे चलते हैं, स्मार्ट आर्ट है हमारे पास। तो यहाँ पर ये देखें, हम स्मार्ट आर्ट भी कर सकते हैं। ये स्मार्ट आर्ट क्या होते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर करते हैं अपलोड। जिस तरह अगर हमने कोई साइकिल बनाना है तो ये साइकिल हमारे पास आ गई है, देखें मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओके कर देता हूँ। ये देखें, ये साइकिल वाला, तो ये मेरे पास आ गया। मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ पहले, मतलब यहाँ पर हम जो भी हमने लिखना है इसके अंदर हम राइट भी कर सकते हैं। देखिए, इस टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ राइट कर दो, जो जो हमने यहाँ राइट करना है हम राइट कर देते हैं। जिस तरह हम यहाँ बनाते हैं इंट्रोडक्शन, फिर आगे प्रोफाइल, तो ये हमारे पास एक साइकिल बन जाएगा। मतलब जिस तरह आपने देखा होगा डिफरेंट साइकिल्स होते हैं हमारे पास, कोई टॉपिक है उसके डिफरेंट साइकिल्स हैं, तो हम यहाँ पर बना सकते हैं। मतलब पहला साइकिल, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा, पांचवा स्टेप, जिस तरह हम कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ये बना सकते हैं कि स्टाइल जो मर्जी रख लें आप फिर साइकिल का। तो ये डिफरेंट हम यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये देखें, तो कोई भी हमने करना हम कर सकते हैं। ये आगे फिर स्टाइल आ गए, जो मर्जी आप रख लें यहाँ पे। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो ये इंसर्ट पे आके आगे हमारे पास है चार्ट, तो हम चार्ट भी यहाँ पर बना सकते हैं। जिस तरह आपने देखा ग्राफ बने हुए होते हैं, तो ये हमारे पास काफ़ी सारी टाइप्स हैं इसकी, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, एरिया, स्टॉक, कोई भी अगर आपने बनाना हो तो आप यहाँ से बना सकते हैं। तो ये मैंने पहला देखें यहाँ पर कॉलम वाला कर लिया। अब अगर मैंने इसके ऊपर ये देखें, ये मुझे नीचे शो हो रहा है, अब मैंने इसमें चेंजिंग करनी है। यहाँ कैटेगरी वन है, यहाँ मैं आगे इसको कर देता हूँ, ये कैटेगरी वन को चेंज कर देता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ राइस, ये देखें राइस, जैसे मैं इसको ये नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा ये चेंज हो जाएगा यहाँ से। अब मैं यहाँ पे देखें, ये जो 4.3 है ये कौन सी लाइन है, ये वाली राइस की, ये जो पहली लाइन है सीरीज वन में, ये हमारे पास 4.3 है। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ 2.4 कर दूँ, तो ये देखें दूसरी भी 2.4 है, मतलब ये नीली और ये जो हमारे पास दूसरे नंबर पर, ये क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। तो देखिए मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो देखते हैं ये दोनों बराबर हो गई हमारे पास। इसी तरह ये तीसरी, तो इसको अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूँ तो ये भी चेंज हो जाएगी। इसी तरह मैं ये यहाँ से इसके अंदर एडिटिंग कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास अब आगे आ जाता है, यहाँ पर हमारे पास है इसकी लेआउट के, मतलब ये ग्राफ हमारे पास कैसा होना चाहिए। ये देखें ऐसा, ये यहाँ से डिफरेंट इसके स्टाइल हैं, ये ऐसा होना चाहिए, साथ मिल जाए, ये ऐसा होना चाहिए। जो भी हम यहाँ से ग्राफ बनाना चाहते हैं वो हम यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से ग्राफ का कलर भी चेंज कर सकते हैं, चार्ट का जो हमने चार्ट बनाया हुआ है, देखें कोई भी अगर हम कलर रखना चाहें हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उस कलर के बाद यहाँ पर ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं ग्राफ के, कोई भी आप रख लें। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने देखें डाटा को राइट करना है इसके अंदर, एडिट करना है, तो आप जिस पर मर्जी कर लें, ये एडिट डाटा पे देखें करेंगे तो वही हमारे सामने फिर ओपन हो जाएगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे अपने डाटा को एडिट कर लेंगे। और एंड पे हमारे पास है चेंज चार्ट टाइप, अगर हमें चार्ट की टाइप चेंज करनी है तो हम यहाँ पर क्लिक करके अगेन यहाँ से कोई भी अगर हमने बनाना है चार्ट, हम यहाँ से उसको बना सकते हैं। उसके बाद आगे हमारे पास इंसर्ट के बाद चार्ट, उसके बाद हम स्क्रीन शॉट अगर हमने लेना है तो हम यहाँ से स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। तो बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में ये सारा कवर कर लेंगे, ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।